मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज इंदौर का दौरा करते हुए विभिन्न स्थिति पर अतिथियों को जानते हुए उस पर कार्रवाई करने की बात कही। उनके द्वारा कई प्रकार की योजनाओं का भी शुभारंभ करने की बात कही गई। आत्मनिर्भर भारत आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश जैसे नई योजनाओं का शुभारंभ करते हुए कहा कि कोरोना जैसी महामारी से लड़ने के साथ साथ पीक जैसे आने वाली बीमारियों को लेकर भी हम हर विभिन्न प्रकार की सावधानी बरत रहे हैं और इस नई बीमारी से लड़ने के लिए कई सुविधाओं का भी हमने शुभारंभ किया है, जिससे बीमारी आने से पहले उसे पूरी तरह खत्म कर दिया जाए। बिजली माफी को लेकर शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि बिजली उपभोक्ताओं से बिजली की कीमत आधी ली जाएगी। अगर किसी भी प्रकार से पूर्ण बिजली बिल मांगी जाती है तो उसके खिलाफ जाँच कर कार्रवाई की जाएगी। इंदौर के साथ साथ पूरे प्रदेश में आइसोलेशन बेड की उपलब्धता, ऑक्सीजन थेरेपी एक मध्य प्रदेश में जिसने काफी काम किया, इंदौर में भी भोपाल में आते ही ऑक्सीजन का लेवल पता कर लिया जाए और उसके हिसाब से फिर ऑक्सीजन दी जाए, जिससे कई मरीजों की जान बची है। अब पूरे प्रदेश में ये ऑक्सीजन की व्यवस्था करने का इंतजाम अस्पतालों में कर रहे हैं। आईसीयू बेड की उपलब्धता, वेंटिलेटर्स की व्यवस्थाएं, ये सब बेहतर करने का प्रयास किया है और सरकारी अस्पतालों के साथ साथ चूंकि उस समय हमको ज्यादा बेड्स की जरूरत थी तो प्राइवेट अस्पतालों में थी, उनके साथ टाई अप करके जैसे यहाँ अरविंदो में, भोपाल में, चिरायू में जहाँ जहाँ जरूरत पड़ी उसकी भी व्यवस्था की है। और आज मैं ये कह सकता हूँ कि केवल एम जी आज नहीं, रोज मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी इंदौर की रोज समीक्षा करता हूँ, यहाँ पेशेंट्स कितने हैं और बेड्स कितने हैं, ऑक्यूपाइड कितने हैं, बाकी से कितने बचे हैं, आगे कितनी जरूरत होगी। आज इस समीक्षा के आधार पर मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ इस समय हम कोरोना को नियंत्रित कर पाए हैं। अब क्योंकि हमको अनलॉक भी करना है, हमने यह अंदाज भी लगाया कि बुरी से बुरी स्थिति है, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि पीक अभी आना बाकी है। मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की थी, रात के 10 बजे ही मैं मध्य प्रदेश के सेक्रेटरियट जो वल्लभ भवन के नाम से जाना जाता है वहां पहुंच गया था और कोविड की न केवल समीक्षा की थी बल्कि व्यवस्थाएं बनाने में हम जुट गए थे। मुझे ये कहते हुए अच्छा तो नहीं लगता लेकिन ये सच्चाई है, तब तक कोविड से निपटने की जो व्यवस्थाएं बनाई जानी चाहिए थी वो व्यवस्थाएं बनी नहीं थी। इंदौर की जनता को, यहाँ के स्वयंसेवी संस्थाओं को, समाजसेवियों को, जन नेताओं को, मीडिया के मित्रों को, प्रशासन के, पुलिस के कर्मचारी अधिकारीगण जिनको हम कोरोना योद्धा के नाम से भी जानते हैं, हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं।